मैं भी खा लूंगा ना देर से थोड़ी सी एक स्पून टेस्ट करूंगा बस। तो मी एंड माफिया आर हैविंग बियर आल्सो। आज तो पूरे दबा के जाएंगे। और वाइपर चाचा को तो ऐसे चाट वाली चीजें दे दो तो फिर तो आंखें बंद और मुंह चलता रहता है। वो दो 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 इकट्ठे डाल दो एक बार। Hey, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. मैं भी पूरी तरीके से उठा नहीं हूँ, but still I am editing my today's vlog. एक चीज मैंने आपको बताने के लिए अभी vlog start करा है कि माफिया जैसे बंदे के साथ में कभी भी मत सो, बिकॉज वो बंदा 8:30-9 बजे के आसपास से अलार्म लगाना शुरू करता है एंड इट्स करेंटली 10:22, अभी भी नहीं उठा है। उसके अलार्म से मैं 9 बजे से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि भाई नींद आ जाएगी, कोनिया मारी है भाई, अलार्म बंद कर दे। स्नूज पे लगा के उसने ड्रैग करा 10 बजे, फिर 10 बजे तक उसके पापा का कॉल आ जाता है कि बेटा उठ जा, कि तू आराम से नहीं उठ रहा है, मैं तेरे को उठा रहा हूँ। फिर अभी भी 10:22 हो चुका और उसके पता नीचे के क्या क्लेम करेगा स्ट्रीम पे कि भाई केतन लेट उठता है। बहुत चट है भाई, अगला बहुत चट। मैंने आज ये चीज क्लियर कर दी बिकॉज स्ट्रगल हम करते हैं उसकी वजह से भाई। 1 घंटा तुम कम सो भाई, बट मेरी आंखों में क्या नींद नजर आ रही है यार। मैंने कल रात को 4:30 बजे तक बैठ के फ्लिप बोर्ड स्क्रॉल करा है। फ्लिप बोर्ड में सारी की सारी न्यूज आती है टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो मैं वही स्क्रॉल कर रहा था। A few inches later, it's 11:32. आज कैसे लेट हो गया सर? डेली तो आप आ जाते हो। कितनी नींद आ रही थी? नींद तो फ्रेश हो गया। फ्रेश हो गया कहाँ पे फटा है आज? बता, मन कर दिया जाए व्लॉग अपलोड कर दे भाई? मैं ओके रिपोर्ट कर दूं। मैं लाइक 3 घंटे से देख रहा हूँ, इसने सुबह उठा 3 घंटे नहीं हुआ एक्चुअली, कितने बजे उठा तू? 2 घंटे हो गए होंगे, 9:30 बजे उठा। नहीं नहीं 9:30 बजे तो 9:30 से अभी 1 बज रहा है। हाँ तो बीच में मैंने गैप भी तो लिया है बहुत। हाँ तो ये मैं शुरू से देख रहा था ये कैसे एडिट करता है, क्योंकि एक दिन में एक ब्लॉग डालना मतलब और कुछ करना ही नहीं। फिर लाइक मैं अगर करूंगा ना तो लाइक मेरे को तो एक दिन लगेगा पूरा, लाइक 24 आवर्स, तो उसके लिए मेरे को 3 दिन लगेंगे और उसमें मैं 6-6 घंटे का माइनक्राफ्ट कर लूं, इतना सारा काम है। इसने 3 घंटे में किया है, पता नहीं कैसे करता है, पूरा एडिट किया, फिर इसने खुद से कहीं से फोटो निकाला, उस फोटो को एडिट किया, फोटो के बाद फोटोशॉप में जाकर मतलब ये मेरा फाइनल थंबनेल है राइट, ये कोई और फोटो थी और ये कोई और फोटो थी, आप लोगों को दिखाता हूं, क्योंकि ये पीछे ना क्लियर फोटो, ये क्लियर फोटो थी राइट, इसमें मैं हूं नहीं, ये मैंने नॉर्मल अपने आईफोन के सामने वाले कैमरा से लिया ठीक है। और ये जो थी ये फ्रंट कैमरा से मैंने सेल्फी ली थी, तो मेरी वाली फोटो इसमें क्लियर आई है, तो मैंने इसमें अपने आप को क्रॉप करा और पीछे वाला बैकग्राउंड मैंने क्रॉप करा, सो फाइनल फोटो हमारी बनती है ये। घंटा पता नहीं चल रहा है किसी को कि ये था नहीं था। Exactly. ये चीज होती है ना, ये कोई एडिटर कर नहीं सकता है एक्चुअली। आपको ये पता है क्रिएटर के दिमाग में आया, और अगर तुम्हें खुद कर सकते हो ना तभी ये चीज है, चीज हो सकती है, वरना तो फिर एडिटर को समझाओ। एडिटर भी बैठा होता है ना तो उसको समझा के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर भी वो चीज नहीं होगी। ये उसके लिए खुद को सीखना पड़ता है। मैं 3 घंटे बैठ के देख रहा था ये करा कैसे इसने, फिर एक एक चीज दिखाई मेरे का, अभी सीखने में तो भाई 1 साल लग जाएगा। साल तो नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस मैटर। लाइक 3 साल से कर रहा, मुझे भी बताया इसने, 3 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैंने तो शायद इसका 1 साल से देखना चालू किया था, इतना पता नहीं था मेरे को कि 3 साल से कर रहा है। उससे पहले शायद तू वो करता था ना क्लैश ऑफ क्लैंस। अरे नहीं, मैं क्या छोटे छोटे ट्रिप्स वगैरह जाता था तो वो ब्लॉग करता था, दैट्स ऑल। पूरा डेली वाले ब्लॉग देखा है तो एकदम चंपू दिखता था उस टाइम, तो एकदम चंपू लगा के। चंपू सुन, तेरी पुरानी कल की फोटो देखी थी हमने, तू उसमें चंपू दिख रहा था एकदम, मैंने कहा भाई बच्चा दिख रहा था गाइस, वो अपने पिकाचूस लोग नहीं होते जो शुरुआत। मुश्किल से एक जोक मारा है, प्लीज लाइक कर दिएगा व्लॉग। तो हमारा आज का व्लॉग अमन अपलोड करेगा, पब्लिश पे दबा दे, मेरे हाथ से अपलोड करेगा, व्यूज कमाएंगे, देख ले, देख लेते हैं। 3, 2, 1 गो। और इसी बहाने पे लाइक बटन भी दबा देना, आज मैंने नहीं करा है, आज इसने करा है, आज मैंने किया। और हाँ, ये जो बोल रहा था ना पिकाचू और चंपू, स्कूल से एक लड़का कॉलेज में जाता है और वहां पे जाके भाई उसको पता नहीं है कि क्या करने आ गया जिंदगी में। हाँ बट सोलो चालू करेगा तो यही होगा शुरुआत में, तो सोलो यूट्यूबर से भाई हमेशा स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं। और मैं ऐसा भाई स्कूल से लेकर कॉलेज में अभी अभी गया हूँ, स्ट्रगल होता है ना उस पे, लोग जो हंसते है ना वो झेलना सबसे ज्यादा मुश्किल का मेरे को, ये वही एग्जैक्टली। और ये जो अभी हंस रहा था मेरे ऊपर, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ गाइस, गाइस प्लीज गाइस, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। कंट्रोवर्सी करने का क्या तेरे को? कंट्रोवर्सी चाहिए। हम ये सेटअप उठा के फोड़ देगा तेरे पे पूरा, ऐसे तेरा ही है, फोड़ दे इसकी तरह, कूल बनना है एकदम कूल कर दे, फिर तेरा लैपटॉप फोड़ देगा। अभी मैं और अमन जाने वाले कुछ इसके वीडियो का कुछ सामान लेने के लिए, वो आप लोगों को पता चलेगा बाद में। और एक हमारी दिशा है, बहाने देता रहता है बस कि भाई केतन पहले उठता है, मैं बाद में उठता। So guys, good morning from City Hall Gaming House. Everyone is having their paratha. तो सुबह जो ब्रेकफास्ट खाते हैं ना हम लोग खुद मंगाते हैं, आंटी ही भेजती है हमारे लिए लंच, और क्योंकि उठते ही सारे सारे 11-12 बजे के आसपास है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन होता है। ये फुल करो, इसे फुल करो ऐसे,
फुल करो इसे। क्या सीयूसी खेल रहे क्या? अरे 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 सुबह सुबह गाली खा ले। चलो खाते हैं ब्रेकफास्ट। सर कहते अभी नहाना धोना सब कुछ हो चुका और मैं और अमन जा रहे हैं उसका काम करने के लिए। कहाँ पे क्या काम करना है तेरा? कीबोर्ड लेने जा रहे हैं अपने को, कीबोर्ड लेके आना है। क्यों लेना है कीबोर्ड? कीबोर्ड लेना है जो कि अपन पागल है क्या? सबको ऐसी आइडिया बता देगा, सबको पता चल जाएगा तू क्या करने वाला है। ऐसे कंटेंट बताते नहीं है, इसको सिखाना पड़ेगा अपन को K4 कंटेंट कैसे रोल आउट करता है। अच्छा अच्छा। मतलब जब मैं आज सुबह एडिटिंग कर रहा था ना, ये पीछे चुपके से बैठ के एडिटिंग देख रहा था कि कैसे कर रहा है, तभी इसने एक्चुअली रियलाइज करा कि मेरे हाथ कितने जल्दी जल्दी वो की बाइंडिंग मैंने अपनी लगा रखी कीबोर्ड में। हाँ कीबोर्ड की बाइंडिंग तो चलो मैं भी कर लूँ, लेकिन जो स्पीड से तू कर रहा था उस स्पीड से समझ आ गया था की बाइंडिंग ही मेन होती है पता है। अगर की बाइंडिंग तू सीख गया, शॉर्टकट सीख गया, तो फिर एडिटिंग आसान हो जाएगी। वरना तू राइट क्लिक करेगा, ऑप्शन में जाएगा, प्रेफरेंसेस, ये वो बहुत लोचा होता है भाई एडिटिंग में। बट डेली का करना है तो वो सीखना पड़ेगा वो। हाँ वो तो है। फटाफट से अभी अपन जाते और वो लेके आते कीबोर्ड एंड माउस। तो अभी अमन को जो भी लेना था वो हम लोगों ने ले लिया है। बट मुंबई की गर्मी यार, ऊपर से मैंने फुल स्लीव पहना है, फील हो रहा है कि एक्चुअली गर्मी है। और ये अगर मैं दिल्ली में खड़ा होता ना अभी, इतना तो मैंने पहना ही नहीं होता फॉर श्योर। इसके ऊपर जैकेट आता तो अंदर इनर पहना होता। बट यार आप लोग रह कैसे लेते हो यार मुंबई में? मेरे को समझ नहीं आता, कभी ठंडी नहीं पड़ती क्या? अब ऐसे नहीं कि मेरे को गर्मी में रहना पसंद नहीं, अगर मेरे को क्रिकेट खिलवा लो या कोई और कोई भी स्पोर्ट खिलवा लो तो मैं गर्मी में रह लूंगा। अगर मेरे को नॉर्मल वॉक करना है, कुछ और काम करना है ना, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुंबई में रहते हैं और उन लोगों को ये वाला क्लाइमेट पसंद है, ये जो गर्म रहता है पूरे टाइम, ह्यूमिड रहता है? अभी चलो ठीक है इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, बट जब गर्मियां होती है एक्चुअली तब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तेरे को मौसम पसंद है क्या? बकवास एकदम। तेरे राजस्थान में? मैं आया था राजस्थान से, वहाँ पे कम से कम लाइक 12 डिग्री सेल्सियस था। लाइक मैं कमरे से निकलता नहीं था पूरे दिन अंदर ही। दिल्ली में रात को जब हम घूमते हैं ना बाहर, मुझे ठंडी हवा लगती है ना, भले ठंड के मारे में कुछ भी 0 डिग्री भी सह लूंगा, बट गर्मी का मैं 40 डिग्री नहीं सह पाऊंगा अगर नॉर्मल घूमना है तो। वो भाई लॉन्ग हो रहे बाहर। मैं तो नींबू के नशे कर रहा है। Yes. ये हमारे सोल के रूम के हाल देखो। अब मैं स्ट्रीम करूँ तो करूँ कहाँ पे? अब हमारे सेशंस चलते हैं। अब मांबा रेगा और मर्सी बैठे हैं ऊपर, तो ऊपर तो बिल्कुल जगह नहीं है। अभी जस्ट माफिया उठेगा या तो फिर अक्षु उठेगा, यहाँ पे बैठ के अपन करेंगे लोको पे स्ट्रीम। इनका वैलोरेंट खत्म नहीं होता भाई, मैं खेलता हूँ GTA 5। गाइस मैं कम से कम 3 से 4 दिन से फीफा चलाने को। ओ फाइनली चल गई, ओ फीफा 2021 चल गई अपने में। अब खेलेंगे ये गेम, मैं शायद से यूट्यूब पे भी स्ट्रीम करूंगा आज, मेरा खेलने का मन कर रहा है। 3 से 4 दिन से मैं कोशिश करूं। मैंने पता क्या -100 है वो भाई, लाशे लिटा दी लाशे। गॉड भाई गॉड, इतनी मुश्किल से चली है भाई ये गेम मेरे। गॉड भाई गॉड। सो गाइस आई जस्ट हर्ड व्हाट गोल्डी भाई सेड, कि हम लोग नए गेमिंग हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, सारा पेपर वर्क हो चुका है। ही जस्ट अनाउंस्ड दैट इन अ स्ट्रीम। एंड वन मोर थिंग, शिफ्टिंग वगैरह भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आई एम नॉट अलाउड टू से द डेट एग्जैक्टली कि हम लोग कब शिफ्ट करेंगे, बट यस सूनर देन लेटर, इस महीने के एंड पे भी हो सकता है, इस महीने के बीच में भी हो सकता है, इस महीने के स्टार्टिंग में भी, क्या पता अभी भी हो जाए, कल से हो जाए। बट यस द मेन थिंग इज दैट कि हम लोग नए गेमिंग हाउस में जा रहे हैं और वहाँ की मैंने फोटोज वगैरह देखी, बहुत ही प्यारा गेमिंग हाउस है। अभी जहाँ पे हम लोग रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, सबके डिफरेंट रूम होंगे, बहुत डिफरेंट चीज़ें होने वाली, एक्टिविटीज़ तो अंत की होने वाली और कुछ ऐसी नई चीज़ें आने वाली जो अभी तक हुई नहीं है। चला दो भाई, तुम चला दो, खत्म कर दो भाई, खत्म कर दो करियर, खत्म कर दो, कर दे एंड। देख रहे हो बंक बेड की बातें चल रही है। और वो भी किसके ऊपर वाला बंक बेड देंगे? माफिया के ऊपर वाला। गोल्डी भाई हाँ, अनाउंस कर दे क्या व्लॉग में? कर दो सर, मेरी भी परमिशन है, कर दो। तेरी परमिशन है? यस। किसने मांगी है? दिए थे हमने। किसने मांगी है? तू मांगते से सच में? किसने मांगी है? तू मांगते से पहले ही दे दिया हमने। सुनो गंदा प्लेयर रहेगा, गंदा प्लेयर। और मजे की बात पता है क्या? बंक बेड जैसा आप लोगों ने सुना, बेड के ऊपर बेड और एक रूम में 2 बंदे रहने वाले हैं, अलग अलग चीजें होने। हाँ न्यू गेमिंग हाउस के पेपर्स आ चुके हैं, पेपर वर्क, थम्स अप, इसी बात पे लाइक बटन दबा दो और ये रेड कलर का ऐसा बटन होगा नीचे, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, जल्दी से बूम बम पे बम कर दो। एनर्जी और अंतर मन कर रहे हैं छत से कूद जाऊं। नहीं ऑल्सो नए वाले गेमिंग हाउस में ये एग्जॉस्ट भी नहीं होगा, सो हमारी ऑडियो क्वालिटी बेटर रहेगी। एंकर
बट देर इज वन थिंग जो मैं नए गेमिंग हाउस में मिस करने वाला हूँ वो है ये ग्राफिटीज जो हमारी स्टेयर केस वगैरह पे थी, सबके नाम थे, यहाँ पे मेरा भी नाम आने वाला था प्रिंट और यू कैन से जो भी स्प्रे पेंट कराने वाले थे, बट अब हमारा शिफ्टिंग का टाइम आ चुका है, ये सारी की सारी ग्राफिटीज अब जाएंगी। आप लोगों को याद है जब मैं पहली बार गेमिंग हाउस आया था मार्च में, जब कोविड शुरू सा हुआ था, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैं ऐसे पीएमसीओ कास्टिंग के लिए गया था। जिन लोगों को याद है उन लोगों के रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ कि भाई मेरा नाम भी यहाँ पे उस टाइम पे प्रिंट होने वाला था, बट वही कास्टिंग की वजह से मैं ऐसे शिफ्ट हुआ, फिर हमारे पास दिन ही नहीं थे। Actually, I wanted to make a full episode on that, कि जहाँ पे मेरा नाम पूरा इस ग्राफिटी वॉल पे लग रहा है, यहाँ पे नहीं वैसे ऊपर लगता, but anyways, we'll be missing this gaming house also, यार, not this. कुछ नहीं, रात की प्रैक्टिस चल रही है गाइस, रात को मेरे को खेलना है FIFA 2021, समझने वाले समझ गए, बाकी पोगो देखते रह गए। तो गाइस अभी आप लोगों ने गोल्डी भाई के हाथ में पेपर्स देख लिए नए गेमिंग हाउस के, और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों को पता चलेगी मॉडल के मुंह से, बिकॉज मैंने जाके देखा नहीं अभी तक, मैंने फोटोज ही देखी है। अरे सबको लेके जाने का था कब? एक दिन प्लान, मेरे को लगा कि हम सब लोगों को बचा के रखा हुआ नहीं, 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 एक दिन लेके जाना था, फिर वो कैंसिल किया था, क्या रीजन था? बट कब तक शिफ्टिंग हो जाएगी हमारी? वन मंथ के अंदर पक्का। वन मंथ तो बहुत ज्यादा है, मतलब 15 दिन में हम शिफ्ट हो जाएंगे, 15-20 दिन पकड़ के चलो, क्योंकि देखो सामान हमारे पास है नहीं ज्यादा, जो भी हम लोग आते हैं हमारा एक वही ट्रैवलर बैग रहता है, दैट्स इट, उधर सारे के सारा फर्नीचर सब कुछ नया है, पीछे लगे थे सब कुछ, अभी वही वहाँ बन रहा है, सब हो रहा है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सुंदर है। Exactly. और मैंने फोटोज देख लिए हैं, और फोटोज में थोड़ा सा मार्बल जो है ब्राउन कलर का प्रॉपर लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ धमाका हो सकता है, और बहुत ज्यादा स्पेस है, सबके पास अपना अपना रूम, ये देख रहे हो ये आवाज है, यहाँ पे सारे के सारे भी चल मार रहे हैं, एंड ये हमारे स्वराज भाई, पोची 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 इधर देख, पोची ओए पोची इधर इधर स्माइल कर। माफिया तू क्या कर रही है, तू क्या करना चाहता है माफिया? इसका अलग ही है। नए गेमिंग हाउस के बारे में कुछ, सीधा फ्रिज खोला, स्प्राइट या कोक कुछ पिया, फावा पास ऊपर चला गया, सब छोड़ दिया, शेड्यूल हम तो जा रहे हैं, हमारे पैंक्रियास करे शेड्यूल वगैरह सब मोम आया है, दो बार मांगे बीजा है भाई, रात में एक बार सोया था 3 बजे, उठा एकदम नींद से प्यास लगा। तो गाइस अभी मैं, हितेश भाई, माफिया, आदित्य, हम सब लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, जिसको यहाँ पे मुंबई में पुचके बोलते हैं, कहीं पे गुपचुप भी बोलते हैं, हर जगह पे अलग अलग नाम है, बट चीज एक ही है जो सबको पसंद है, गोलगप्पे। जहाँ पे दिल्ली में एक टाइम पे 10 रुपए का 5 मिला करते थे, अब 2 या 3 हो चुके हैं। आपके वहाँ पे कितने के मिलते हैं? मेरे वहाँ पे 10 के 4 शायद। 4 या 5? तू चलेगा? नहीं भाई, मेरा एफ हो गया, मेरे को पता तो है। इसका एफ हो गया? अरे इसके कार्ड से 2-3 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, और उसको फर्क नहीं पड़ रहा। डू यू वांट टू कम गोलगप्पे? पूछने वाली बात आ रहे ऑलरेडी। आप लोगों के घर के पास बताओ कि कितने के कितने मिलते हैं? मैंने डेली का बता दिया, 10 के 5 मिलते हैं। गोलगप्पा वही ना, पानी पूरी। हाँ, अरे यहाँ पे पानी पूरी बोलते हैं। हाँ, 10 के 5? 10 के 5 मिलते हैं। सस्ता। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे कितना मिलता है? हमारे इधर 20 का 5। 20 का 5? बाप रे, लूटते हैं भाई यहाँ पे मुंबई में। कूल बनना है ना, एकदम कूल। डू यू वांट टू जॉइन अस इन गोलगप्पा पार्टी? Why so? Sound full or feel full? ये देखो पेट अंदर हो जाता है इसका नीचे करते ही। तो आप कैमरा कॉन्शियस नहीं बोल सकते इसको, आप बोलते हो आदत। सुनो, मुझे ऑरेंजेस चाहिए। We'll buy it for you. ऑरेंजेस क्या चाहिए? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस? भैया माफिया, कितने के दिए ऑरेंजेस? माफिया देना। ऑरेंज दे रहे हो तुम लोग? 20 रुपए डजन। एक बार पकड़ो, एक सिर्फ पकड़ो। 20 रुपए दोगे तो काम की बात बताऊंगा। माफिया मेरे को भी चाहिए ऑरेंजेस। आप चलोगे ना तो नॉर्मली उसका एक हाथ सपोर्ट पे रहेगा, और पता है क्या बोलते हैं, रीजन क्या देता है? कह रहे हैं कि अपने से छोटे वालों को उसके ऊपर हाथ रख के चलता हूँ। हाँ, इसीलिए वो मेरे से बड़े ना हो जाए ना हाइट में, इसीलिए तभी मर्सी बेचारा। अरे इसको सपोर्ट चाहिए होता है, शरीर ले लेके इतना कितना लंबा हो गया, इतना छोटा रह गया। मर्सी प्लीज शूट हिम। भैया क्या प्राइस है गोलगप्पे का? 18 के 6। बढ़िया। छोले गरम है, मेरे को स्पाइसी दो। स्पाइसी ये वाला? ये थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर गोलगप्पे के बाद आप लोगों ने पानी नहीं पिया ना तो फिर वेस्ट है, बट दिल्ली के गोलगप्पे मैच नहीं करते भाई, वो आउट ऑफ द स्पेस। आपको कैसे लगे थे भाई? ठीक है। गुवाहाटी में अच्छे मिलते हैं इससे? हाँ, सबको अपनी स्टेट के बढ़िया लगते हैं। ये क्या चीज़ है? मसाला पुचका। मसाला पुचका क्या बोलते हैं आप लोग? मसाला पुचका। मसाला पुचका, मसाला पूड़ी। मसाला पूड़ी। सो मी माफिया आर हैविंग बेल आल्सो। आज तो पूरे दबा के जाएंगे। और वाइपर चाचा को तो ऐसे चाट वाली चीजें दे दो तो फिर तो आंखें बंद और मुंह चलता रहता है। वो दो दो खत्म हो रहा भाई, दो इकट्ठे डाल दो एक बार।
So I'm having one coconut water also. यहाँ पे आके थोड़ी सी हेल्दी चीजें कम खाते हैं हम लोग. So I'm having this coconut water. मलाई है तो फिर एक मलाई. मलाई वाले कर दो मेरा भी. ओए ओए ये क्या हो गया? Hello pussy cat, what's up? It's good and healthy also. आप भी पियो. पियो. अभी जाओ. शॉप में जाओ पियो. बे खत्म ही नहीं हो रहा ये. कैसे पियो? स्ट्रॉ निकाल के. ये हालात देख लो लड़कों के आजकल के. हो गया फाइनली वो आवाज आती है ना सरर वाली. हो गया खत्म. चीयर्स. चीयर्स भाई. चीयर्स. ओए मलाई वाला डायरेक्ट ही बोला ना पीने का सी इधर ही मंगा. सुनो स्ट्रॉ डाल के पीने वाले लोग क्या करें. सुनो माफिया तुम्हारी तरह वो ये वाले नियम याद नहीं आती है. खत्म. लिटरली 5 सेकंड में मैंने माफिया से बात करी और ये अनकट है. अनकट है. खत्म कर दिया भाई. गॉड अवार्ड. एक और पी रहे हो? ये टेस्टी है बे मलाई. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग टिल हियर. मेरा व्लॉग हो चुका है यहाँ पे एडिट और अपलोड हो रहा है थोड़ी देर में. लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा देना. मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में. और अगले व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बंदे का सांबर वाली स्टोरी. कितने लोगों ने अमन की इंस्टाग्राम लगा. इसी का इंस्टाग्राम लगाया था. इसी ने खुद नहीं आगा. अमन पीछे मुड़ता जाएगा. कैसे लगा सांबर? चलो मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर. बैठा होता वो इधर आने के लिए यहाँ पे पैर का पूरा सांबर इसने गिरा दिया था और यहाँ पे थक्स होता है. अबे गिरा नहीं सांबर. किसको देना? अरे पागल क्या मैं ऐसे नीचे लगा मैं.